सबसे पहले तो जी केपी गवर्नमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कल से पहला रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया था। कल 3 हेलीकॉप्टर्स आए हैं, उसमें से जो बताया गया हमें कोई 80 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है कांजू एयरपोर्ट पे। आज सेकंड रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया था जिसपे अभी पहले में मैं आई हूँ, 30 लोग हैं। अभी इस वक्त कलाम मुनकता है बहरेन से और वहां पे फूड सप्लाई शुरू हो गई है। हमें अभी कुछ नहीं पता कि रोड्स कब बहाल होंगे, बट टूरिस्ट कोई 700 बताया जा रहा था कि वहां अभी स्टैंडर्ड हैं और इंशाल्लाह मौसम साफ रहा तो 5-6 दिनों में इवैक्यूएशन का सिलसिला ये जारी रहेगा।